बरेली के शाही थाना क्षेत्र में सांड के हमले में किसान की मौत के बाद एडीओ पंचायत राजीव शर्मा ने प्रधान मीना देवी और सचिव श्रीपाल गंगवार के खिलाफ गैर इरादतन हत्या समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज कराया है। वहीं आज में आक्रोशित ग्राम प्रधानों ने विकास खंड विथरी चैनपुर पहुंचकर खंड विकास अधिकारी का घेराव किया और ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने मुकदमे को खत्म करने की मांग की है। आइए जानेंगे क्या कुछ कहा ग्राम प्रधानों ने। पहले तो पर्चे जानना चाहूंगा और इतने लोग इकट्ठे हुए हैं, क्या मामला? मैं ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत का मोकला विकास खंड पिथरी चैनपुर तहसील बरेली से हूं और आज हम सारे प्रधान साथी जिस मांग के लिए इकट्ठे हुए हैं वो ये है कि अभी थोड़े दिन पहले किसी सांड ने किसी व्यक्ति को मार दिया था और उसमें जो है ग्राम प्रधान के खिलाफ मुकदमा कायम कराया गया था। तो जब ग्राम प्रधान के खिलाफ मुकदमा कायम हो सकता है तो नगर में भी अभी जो थोड़े दिन पहले एक व्यक्ति की मृत्यु हुई थी, सांड ने मार दिया था किसी मैनेजर के लिए, तो क्यों नहीं मेरे खिलाफ मुकदमा कायम हुआ? मैं जानना चाहता हूँ, आप बताइए। और क्यों नहीं जो उनके खिलाफ कार्रवाई हुई? क्या प्रधान एक छोटी कड़ी, वो भी जनप्रतिनिधि है, हम भी जनप्रतिनिधि है, क्यों हमारे खिलाफ मुकदमे कायम हो रहे हैं? मैं आपसे जानना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से, बताइए आप मुझे। आप ये मांगे आपने कल, अगर हमारे खिलाफ मुकदमा नहीं हटा तो एक हफ्ते के अंदर हम वो करेंगे जो आज तक किसी ने किया नहीं। हम धरना प्रदर्शन करेंगे और जिला लेवल पे करेंगे और जो है पूरे इकट्ठे सारे प्रधान लोग करेंगे। प्रधान एकता जिंदाबाद, अगर प्रधान के खिलाफ मुकदमा कायम हो रहा है तो मेयर के खिलाफ भी मुकदमा कायम होना चाहिए। क्या वो बड़े जनप्रतिनिधि, हम भी छोटे जनप्रतिनिधि, हमारे खिलाफ मुकदमा कायम हो रहा है, उनके खिलाफ क्यों नहीं हो रहा मुकदमा कायम? कल मुख्य विकास अधिकारी से वार्ता हुई, आप लोगों को क्या आश्वासन मिला? उन्होंने तो ये कह दिया कि जो है दो दिन का समय लिया गया, इसमें जो है आज काफी तादाद में लोग यहाँ आए, तो किन मांगों को लेके? हमारी मेन मांग यही है कि हमारे प्रधान साथी जो है जिनके खिलाफ जो मुकदमा लिखा गया है उसे वापस लिया जाए और अगर नहीं लिया गया तो हम लोग फिर एक बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे होकर जिला लेवल पे और बड़ा एक धरना करेंगे। पंचायत नवदिया किशन से, अभी जो हमारे जिले में शेरगढ़ ब्लॉक में एक बुजुर्ग को आवारा सांड पशु ने मतलब मार दिया उसके लिए, तो इस विषय में अभी जो जिले पे रिपोर्ट दर्ज हुई है हमारे प्रधान भाई के खिलाफ और सचिव के खिलाफ, तो ये बहुत गलत है। प्रधान एक स्तंभ होता है राजनीति का, प्रथम जैसा प्रधानमंत्री होता है देश का वैसे प्रधान ग्राम पंचायत का होता है। प्रधानों को स्टंभ पंचायत ने और ये शासन और जिलाधिकारी और शासन ने इतना हल्के में ले रखा है प्रधानों को, तो कि उनको कोई वैल्यू नहीं दी जा रही है। प्रधान पे किस कानून और किस एक्ट के तहत ये लोग मुकदमा दर्ज करा सकते हैं? आवारा पशु अगर किसी को मारता है, नुकसान करता है, तो प्रधान की क्या जिम्मेदारी तय हो गई इसमें जो प्रधान के ऊपर रिपोर्ट दर्ज कराई गई है? हम प्रधान भाई लोग सब इसके विरोध में हैं, इसीलिए हम लोग सब एकत्रित हुए हैं। अगर ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा जब तक हमारे प्रधान भाई के ऊपर जो मुकदमा लगा है, और आगे भी इस प्रकार की घटना नहीं होनी चाहिए, किसी भी प्रधान भाई के ऊपर अगर किसी प्रकार की इस तरह से रिपोर्ट दर्ज हुई तो हम लोग जिला लेवल नहीं प्रदेश लेवल तक धरना करेंगे। प्रधान संघ जिलाध्यक्ष, मेरी शासन प्रशासन से ये उम्मीद करता हूँ जो गांव में बैल और जो गाय हैं ये पकड़ी जाएं और इन्हें कहीं शासन प्रशासन की जिम्मेदारी है ये अपने कहीं स्थायी जगह पर या कहीं गौशाला में छुड़वाएं, क्योंकि गांव में हर जगह गांव में गौशाला नहीं है। तो इसमें प्रधान या सचिव पर जो कार्रवाई हो रही है सरासर गलत है। अगर ये कार्रवाई वापस नहीं ली गई तो हम प्रधान संगठन के सारे लोग, प्रधान जितने जिले के, जिले पर धरना प्रदर्शन करेंगे। इसके लिए शासन प्रशासन जिम्मेदार होगा, प्रधानों का और सचिव का कोई लेना देना नहीं इसमें, क्योंकि हमारा काम सहयोग करने का है। हमारा काम ये नहीं कि हम कहीं अपने पैसे से शौचालय बनवाएं, हम गौशाला हैं या अपनी जमीन देकर गौशाला बनवाएं, शासन प्रशासन की जिम्मेदारी है और शासन प्रशासन ही जिम्मेदार है। इसमें प्रधान का कोई इन्वॉल्व नहीं है, न सचिव का इन्वॉल्व है, प्रधान का सचिव का सहयोग का है, सहयोग है। और कार्रवाई तो शासन प्रशासन पर, हम पर कोई कार्रवाई प्रधान पर ना हो और न सचिव पर। अगर कार्रवाई होती है तो धरना प्रशासन किया जाएगा डायरेक्टरेट पर। कल जो जिला स्तर पे सभी सचिवों द्वारा और ग्राम प्रधानों द्वारा जो धरना किया गया था, सांकेतिक एक दिवसीय धरना, और उसके बाद दो दिन का जिला प्रशासन को जो है उनसे अनुरोध किया गया है कि दो दिन के अंदर जो कार्रवाई हुई है शेरगढ़ में उसको वापस लिया जाए। तो उसी के क्रम में आज प्रधान संघ के जो जिलाध्यक्ष हैं उनके आह्वान पर विकासखंड के सभी प्रधान यहाँ पर उसी घटना के विरोध में इकट्ठे हुए हैं। क्या मांग करते हैं प्रशासन से? ग्राम प्रधानों की जो मांग है, वैसे तो संयुक्त एक मांग पत्र उच्च अधिकारियों को प्रेषित भी किया गया है। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद।